नमस्कार, आदर्श विद्या मंदिर कोलिया की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम 10वें पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे में बात प्रारंभ कर रहे हैं। पाठ का नाम है विश्व बंधुत्वम, अर्थात सांसारिक भाईचारा। और पहला प्रश्न है उच्चारण करना। दुर्भिक्षे राष्ट्र विप्लवे विश्व बंधुत्वम विश्वसंति उपेक्षा भावम विद्वेषस्य ध्यातव्यम दुःखभाक् प्रदर्शयन्ति। इनका उच्चारण करना है, लेकिन लिखना भी आना चाहिए। जैसे बोल रहे हैं वैसा ही लिखना होना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए हुए पदों के समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द सुन करके लिखिए। लिखा हुआ है स्वकीयम, स्वकीयम यानी अपना, आत्मनम यानी अपना, स्वकीयम आत्मनम। अवरुद्ध है रुका हुआ और बाधित है रुका हुआ। कुटुंबकम यानी परिवार और परिवार है यानी परिवार। अन्यस्य, अन्यस्य न दूसरे का और परस्य न दूसरे का या पराया। अपहाय, अपहाय यानी त्याग कर और त्यक्त्वा यानी त्याग कर। समृद्धम, इसको एक बार छोड़ दीजिए। कष्टम, कष्टम यानी दुखम। निखिले, निखिले यानी यहां पर नाम लिखा हुआ है संपूर्णे से मैं पूर्णे, संपूर्णे शब्द है। और समृद्धम संपन्नम, इस प्रकार ये प्रश्न है। एक बार निखिले का वापस लिखवा रहा हूं। निखिले की सीध में हमको स आधा में पू ण ऊपर रे और ये मात्रा, इस प्रकार लिखना है संपूर्णे। यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगला प्रश्न है रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखते हैं। रेखांकित पदों को संशोधित करके लिखिए, सही करके लिखिए। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रे कंदुकात क्रीडन्ति, कंदुकात पंचमी विभक्ति है और छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं, तो साधन है गेंद। साधन के योग में तृतीया विभक्ति होती है, नाम होगा कंदुकेन। ते बालिका मधुरम गायन्ति, ते बालका हो सकता है लेकिन बालिका शब्द है इसलिए ते की जगह पर ताहा शब्द होगा, ता और विसर्ग। ताहा बालिका मधुरम गायन्ति। अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि, मैं पुस्तकालय से पुस्तक लाता हूँ। इसका अर्थ है जहाँ से लाया जा रहा है, अलग होने के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो पुस्तकालयेन की जगह पुस्तकालयात होगा। अहम पुस्तकालयात पुस्तकानि आनयामि। अगला नाम है त्वम किम नाम, तुम क्या नाम। वाक्य ही गलत हो सकता है, देखने में ही मालूम पड़ता है। तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। त्वम की जगह तव, ते और वह, पूरा पूरा लिखना है।
अगला प्रश्न है गुरुम नमः। हमेशा ध्यान देना चाहिए नमस्कार के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए गुरवे नमः, भानवे नमः, सूर्याय नमः, मित्राय नमः, आदित्याय नमः, सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है। गुरवे गु रे वे। अगला प्रश्न है विलोम शब्द लिखना। शत्रुताया मित्रताया पुरा अधुना मानवा दानवा उदार सरितानाम लघु चेतसाम सुखिनः दुखिनः अपहाय गृहीत्वा। ये नाम इस खाली जगह में लिखने हैं। अगला प्रश्न है नीचे लिखे हुए पदों में लिंग विभक्ति और वचन लिखिए। लिंग विभक्ति और वचन लिखना है। वापस वही चीज बता रहा हूं मैं, देखिए बंधु पुलिंग विभक्ति प्रथमा और वचन एक वचन, देशान पुलिंग विभक्ति द्वितीया और वचन बहुवचन, घृणाया स्त्रीलिंग विभक्ति पंचमी और षष्ठी और वचन एक वचन, कुटुंबकम नपुंसकलिंग विभक्ति प्रथमा और द्वितीया वचन एक वचन, रक्षायाम स्त्रीलिंग विभक्ति सप्तमी एक वचन, ज्ञान विज्ञानयो नपुंसकलिंग विभक्ति षष्ठी और सप्तमी द्विवचन। मैंने जैसे बोला है वैसे लिखा भी है। यहाँ विभक्ति और वचन में मैं विभक्तियों का संस्कृत मैंने लिख रही है, सीधा गणित में लिख रहा हूँ। वचन भी एक वचन द्विवचन बहुवचन को गणित में लिखा है मैंने। अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए। कोष्टक में दिए गए शब्दों को शब्दों में समुचित विभक्ति जोड़ करके रिक्त स्थान भरना है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, तो उभो के योग में उभयतः के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, तो कृष्ण है की जगह कृष्णम हो जाएगा। आगे मैं जोड़ना है, कैसे जोड़ना है देखिए, इसकी आगे मैं जोड़ करके हमको सही करना है, यहाँ पर उतार देना है। ग्रामम परितः गोचारण भूमि ही, तो मंदिरम परितः। सूर्याय नमः, अभी मैंने पहले बताया था गुरे वे गुरुवे नमः। वृक्षस्य ऊपरी खगा सन्ति, तो अश्वस्य आदा से और ये ऐसे जोड़ते ही ये नाम यहाँ पर हो जाएगा अश्वस्य। अगला प्रश्न है कोष्टक में समुचित पद सुन करके रिक्त स्थान भरना है। नमः हरये नमः, हरिम नमः नहीं होगा। ग्रामम परितः, परितः के योग में द्वितीय विभक्ति। अम्बायै नमः चतुर्थी विभक्ति। मनसस्य उपरि अभिनेता अभिनयम् करोति।
पितरम उभयतः पुत्रो स्तः। ये सभी प्रश्न एक बार ध्यान से देखते रहिए और वापस इनको कॉपी में उतारना है। वैसे यह वीडियो दूसरी बार बनाया गया है, पिछली बार वीडियो पूरा साफ सुथरा नहीं बना था, इसलिए इसको वापस दोबारा बनाया गया है। धन्यवाद।